गाइस नमस्कार। और अभी हम आ चुके हैं घंटा घर पे और आज रवाना हो रहे हैं हम गंगोत्री की तरफ। जब हम गंगोत्री जा रहे होंगे तो उसके बीच में पड़ता है हर्षिल ट्रैक एंड गर्तांगली, तो वहाँ भी जाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया, मैंने एक्सपल्स कभी लॉन्ग राइड पे मैं ले ही नहीं गया, बस ये देहरादून घूमते रहे। तो इस बार फ्रेंड्स लोगों ने बोला चलो चार धाम एक्सप्लोर करते हैं। चार धाम मतलब पहले यमुनोत्री जहाँ से यमुना निकलती है, गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है, देन केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। अभी मैं जा रहा हूँ मीट पॉइंट पे जो कि हमने डिसाइड किया है राजपुर रोड की तरफ होगा, तो वहीं चलते हैं। हेलो तो अभी हमारी पैकिंग हो रही है, इधर भाई जी बंजी कॉट ला रखे हैं और एक्सपल्स रेडी है अपनी, डोमिनार अभी निकल रही है बाहर। यो तो अभी हम लोग मिल चुके हैं इधर सारे के सारे राइडर्स और ये रही है हमारे सब बाइक और व्यू देखो भाई। तो अभी हम हो चुके हैं रवाना, राइडर जी अपने साथ आज तो फुल फॉर्म में लग रहे हैं बिल्कुल। अभी हम आ चुके हैं शिव मंदिर मसूरी रोड पे है जो, जय महादेव। और यहीं से अपनी राइड शुरू करते हैं सबके सब। सो इन ट्विस्टीज पे इतना मज़ा आता है ना यार ये बाइक चलाने का, और ख़ासकर मॉर्निंग या इवनिंग राइड में। तो ग्रुप में यही फ़ायदा है, जो आगे है हमारा पायलट अगर वो थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा है तो हमें भी कैच अप करना पड़ता है उसके साथ, तो वो मेंटेन करके रखता है कि हमें स्लो चलना है या थोड़ा सा फास्ट चलना है। बाकी अभी बने हुए हैं कैप्टन रोहन डून राइडर, तो पता नहीं कहाँ गायब हो रखे हैं, तो हमें भी कवर अप करना पड़ेगा। थोड़े शॉर्टकट लेते हुए धनौल्टी रूट के लिए, और ये शॉर्टकट में मैं पहली बार आ रहा हूँ, यही लोग ला रहे हैं मुझे पहली बार, तो इससे डिस्टेंस थोड़ा सा और कम हो जाएगा। अभी हम पहुंच चुके हैं धनौल्टी रूट पे, साथ में मेरे है राहुल भाई और दून राइडर को तो आप जानते ही हो, हैं आकाश भाई, और इनके पास भी है डोमिनार 400 फाल्कन। अभी हम लोग धनौल्टी में पहुंच चुके हैं, आगे वाला रास्ता भाई बताएगा कहाँ है। अभी हम धनौल्टी वाले रूट पे हैं और यहाँ से हम जाएंगे सुआपुली होते हुए और वो जुड़ेगा सीधा चिन्याली सौड़, तो देखते हैं अभी रास्ता कैसा होगा क्योंकि थोड़ा बारिश का ही मौसम हो रहा है। बाकी देखते हैं रास्ता जैसा मिलेगा आपको आशीष भाई अपडेट देते रहेंगे। ओके राइड चल रही है अपनी मस्त एकदम, और अभी न्यूट्रल पे जा रही है सबकी गाड़ियाँ क्योंकि ये ढलान इतनी है धनौल्टी वाली, तो यहाँ पेट्रोल बचता है सबका। जो धनौल्टी से पहले हम कट लेते हैं वो रास्ता है, वो रास्ता काफ़ी ख़राब हो रखा है, एक तो ये सिंगल लेन है और जगह जगह में काफ़ी पैचेज हैं इधर रहे हैं। सैडलिंग के काफ़ी फ़ायदे हैं कि आपका जैसे बम नम हो जाता है जब लॉन्ग राइड्स पे, तो सैडलिंग मस्त है, और वैसे भी ये ढलान वाली रोड पे तो ज़्यादा बेटर है। अभी मैं आ चुका हूँ पॉकेट रॉकेट बाइक पे, पॉकेट रॉकेट तो नहीं है भाई, 400 सीसी का इंजन है इसका, डोमिनार 400। और ऐसे हम दोस्त लोग ना शफलिंग करते रहते हैं ताकि मतलब बोर भी ना हो, रास्ता भी निकल जाए मस्त। और मेरा दोस्त चला रहा है मेरी एक्सपल्स, तो उसको भी अलग फील आएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपने हैंडल रेस करवा रखे हैं तो वो यहाँ तक आते हैं उसके ऐसे में, और इसके हैं ऐसे स्पोर्टी में, तो थोड़ा फील अलग आता है और रास्तों का भी मज़ा आता है। और रे भाई ये पावर है ना जो इसकी, ये बाइक बोलती है और तेज। हाँ मज़ा आ गया यार ऐसे व्यू में ना, मौसम भी थोड़ा ठंडा हो चुका है, होपफुली बारिश ना आए, बस यही रिक्वेस्ट है भगवान जी से। अभी हम दोबारा खड़े हो गए हैं सैडलिंग के लिए तैयार, और ये क्या व्यू आ रहा है यार, मजा आ गया। पीछे दून राइडर चलता है वह,
ये। और आगे दो डोमिनार निकलती हुई हमारे, एक तीसरी भी आ सकती थी डोमिनार 250, लेकिन वो घर बैठ के अंडे दे रही। पहुंच चुके हैं चिन्याली सौड़, और अभी भी काफ़ी डिस्टेंस कवर करना बाकी है। आई थिंक 100 और 120 किलोमीटर और बाकी रहेगा। और ये देखिए जो ये चार धाम की रोड निकल रही है, अब ये कितनी चौड़ी हो गई। ऋषिकेश से जो स्टार्ट होती है ना, हाँ है पड़ा। सबने रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, थैंक्स टू भाई जी, इन्होंने सबके रजिस्ट्रेशन करवा दिए थे पहले। वैसे ये जो स्टॉप है ना, वो कम देखने के मिलते हैं जब सीज़न नहीं होते, लेकिन अभी सीज़न है तो ये भी ठीक है। मतलब उन्होंने हमारे गाड़ी के नंबर नोट किए, रजिस्ट्रेशन देखा, फ़ोन नंबर लिया, एंड तब हमें जाने दे रहे हैं। तो जो ऋषिकेश से रोड आती है वो आपको कुछ ऐसे ही मिलेगी, ठीक है। देखो यहाँ भी पहाड़, वहाँ भी पहाड़, और लगा नहीं था इस पहाड़ों के बीच में हम इतनी स्पीड अचीव कर पाएंगे। अभी मेरी गाड़ी चल रही है 80-90 के आ रहा हूँ। ऐसा लगा नहीं था कि पहाड़ों में इतनी स्पीड अचीव कर पाएंगे। तो जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग में बताया था कि ये वाला जो टाइम है दोपहर का, यहाँ बहुत तगड़ी क्या बोलते हैं उसे, बारिश होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, कि जो पहाड़ में जो वेदर फोरकास्ट है ना, वो कभी काम नहीं आते, ठीक है। किसी दिन बोलेंगे कि बारिश हो रही है तो उस दिन नहीं हो, मतलब उस दिन नहीं होगी। किसी दिन बोलेंगे एकदम सनी वेदर है, उस दिन एकदम से बारिश हो जाएगी। तो जो ये प्रेडिक्शन है वेदर फोरकास्टिंग, ये पहाड़ी एरियाज़ के लिए मेरे को लगता है नहीं है सूटेबल। जबकि जो प्लेन एरिया है वहाँ हो सकता है, वहाँ जो प्रेडिक्ट किया है वो हो। लेकिन मैंने बहुत बार ये देखा है वेदर फॉरकास्टिंग देख के, और वैसा नहीं हुआ। लेकिन फिंगर क्रॉस्ड यहाँ ना ही हो बारिश तो बढ़िया है। तो दोबारा रोड कंस्ट्रक्शन में जा रखी है इधर उधर, पूरा पैच मतलब पहाड़, मतलब पूरे पहाड़ी एरिया में यही होता है कि कहीं कहीं सही रहता है पैच और कहीं कहीं बेकार रहता है। पहले तो बस को ओवरटेक करें, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक यही है, ये पूरा धूल उड़ा के चलती है। हम आ चुके हैं अपाचे रेस एडिशन 2.0। आहा, इसका सिटिंग पोस्चर ही थोड़ा सा गजब है यार। पुरानी फील। अब जैसे मेरे बाइक के हैंडल है जो सामने जा रही है, इसके हैंडल है ऐसे और इसके है ऐसे, बिल्कुल नैरो हो गया, तो इसमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है ऐसे जो पास पास वाले हैंडल होते हैं ना। हम उत्तरकाशी पहुंचने वाले हैं, और हमने काफ़ी जल्दी कवर अप किया डिस्टेंस। हम निकल गए थे 6 बजे और अभी 11 बज रहे हैं, तो 11 बजे हम उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। उत्तरकाशी मैं पहले भी आ रखा हूँ, एक बार पुलिस की भर्ती आई थी जो कि फेक भर्ती थी, किसी ने अखबार में इश्तिहार दे दिया था वो भर्ती मारने के लिए, मतलब काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो वो पुलिस की भर्ती मारने के लिए हम इधर आ गए थे, 3-4 लड़के आए थे और फिर वापस चले गए क्योंकि वो फेक निकली। यहाँ आके हमको पता चला दैट इज फेक भर्ती। ओ भाई साहब क्या नज़ारे हैं, फोर से मेरे को बता रहे हैं कि ये यहाँ कहीं डैम है। तो अभी हम एक स्टॉप पे रुके हुए हैं, हमारी सबकी बाइक ये रही, और सामने देखिए आप, वाह। तो गाइस मेरे पीछे ये जो है, ये इसका एक नाम दे रखा है, कोई फॉल है, लेकिन वो बोर्ड पे लिखा हुआ था, वो पता नहीं कौन सा फॉल है, मेरे को नाम तो पता नहीं चल रहा, लेकिन हाँ बहुत अच्छा व्यू आ रहा है इधर। और एक्चुअली पीछे डैम है, मेरा दोस्त मेरे को बता रहा था कि पीछे डैम है और ये
यहाँ आ रहा है फॉल। तो अभी जो हमने फॉल देखा था उससे हम आगे निकल रहे हैं, अभी काफ़ी है 92 किलोमीटर और है हर्षिल का रास्ता। तो पहाड़ों का जो रास्ता होता है ना, पहाड़ों का 90 किलोमीटर वो प्लेन्स का लगा लो डबल 180 किलोमीटर के आसपास होता है, क्योंकि पहाड़ में हम एक कांस्टेंट स्पीड में नहीं जाते, मोड़ इतना ज़्यादा होते हैं। तो अभी काफ़ी कवर अप करने के लिए है, तो हमें काफ़ी टाइम हो गया और ये बस वाला हमें आगे नहीं जाने दे रहा है, थोड़ा सा साइड भी नहीं दे, जैसे दूसरे बसेस वाले साइड दे देते हैं, क्योंकि सड़क इतनी पतली है कि एक ही बस का रास्ता है इधर, एक ही गाड़ी, एक ही फोर व्हीलर का रास्ता है। तो बस वाला भी रेस लगा रहा है हमारे साथ। आगे हैं वादियों में, देखो यार, और ये फिर से छोटी छोटी सी रोड आ गई है। गाइस जन्नत कहाँ भी है, कश्मीर में है, और ये कश्मीर नहीं है, ये उत्तराखंड है। और ये उत्तराखंड भाई साहब, बहुत प्यारे हो गए ना, क्यों इतनी सुंदर जगह है, ये इतनी सुंदर जगह है, मैं क्या बताऊं। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये ऑयल पेंटिंग की तरह दिख रहे हैं, मतलब ऐसे कोई सीनरी होगी जैसे, ये देखो। जैसे कि एक्सपेक्टेड था हमें, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, और ये सैडलिंग करते हुए टून राइडर दुख गए होंगे पैनकेक्स। फाइनली वी हैव रीच्ड रूम, पता नहीं कैसा लिया हमने, बढ़िया है, लेकिन चार बंदों के लिए तीन बेड हैं। तो हमने 200 किलोमीटर्स कंप्लीट कर चुके हैं और बाइक पे किए हैं, कार में इतना पता नहीं चलता, बाइक पे काफी पता चल जाता है क्योंकि आप हेलमेट पे रहते हैं। तो ये है गाइस, हमने रूम लिया है, बहुत बढ़िया रूम, ये आते ही खत्म, लेकिन ठीक है, इस सीजन में ऐसे मिलेगा। और सामने देखो यार व्यू भाई, तो हम उत्तराखंड बहुत घूमे हैं, मतलब जगह जगह घूमे हैं, बट इससे प्यारी जगह मुझे नहीं लगता कहीं है, और ये चीज़ रोहन भी बोल रहा था, है ना, सही मतलब है? इतनी जगह घूम गया यार उत्तराखंड में, मतलब अभी यमुनोत्री भी गए थे, मैं केदारनाथ भी गया, और मतलब लगभग गढ़वाल एरिया तो लगभग पूरा घूम ही लिया है, और जो उसके बाद हर्षिल जहाँ से शुरू होता है लगभग, मतलब हर्षिल से 10 किलोमीटर पहले, यार इतने सुंदर व्यू ना, मतलब मैं बता नहीं सकता, फोटो खिंचाने में आधा आधा एक घंटा लग रहा है, और उसके बावजूद भी मन नहीं भर रहा है, अलग ही पहाड़ी अलग है यार यहाँ के। पैक्ड हो चुके हैं और अभी बज रहे हैं 5:50 के आसपास, तो हम 6 बजे निकल रहे हैं अपने रूम से, वैसे उठ हम 5 बजे गए हैं, और ये रही हमारी बाइक्स। और एक और है यार, जो भी यहाँ पेट्रोल पंप है ना, वो उत्तरकाशी में था, उत्तरकाशी के बाद पेट्रोल पंप ही नहीं है इधर, तो हमने रिफ्यूल नहीं किया बाइक्स, तो 30 किलोमीटर्स और ट्रैवल करना है गंगोत्री के लिए, तो वहाँ हम ये वाली बाइक नहीं ले जा रहे डोमिनार, वहाँ हम एक्सपल्स और अपाचे ले जा रहे हैं, क्योंकि इनका एवरेज थोड़ा सा ज़्यादा है, देखते हैं रिफ्यूल कराना पड़ेगा तो
यहाँ बोल रहे हैं ब्लैक में मिलता है 130 रुपीस के आसपास, 1 लीटर मिलता है। तो निकल चुके हैं हम यहाँ से, बस टेंशन इस बात की है कि पेट्रोल यार बच जाए बस। तो अभी तक हमने कवर किए हैं 210 किलोमीटर्स जो कि देहरादून से यहाँ तक है, और अभी 30 किलोमीटर और है। तो अभी चलते हैं मॉर्निंग राइड पे। अरे भाई कार गिरी हुई देखी तुमने, कार यहाँ ये देखना वो रही। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। और यहाँ का ऐसा है ना सीन कि यहाँ हर 2-4 किलोमीटर में कुछ ना कुछ व्यू दिख जा रहे हैं। जैसे कि आप अगर देहरादून में रहते हैं और आप किमाड़ी रोड जाते हैं ना, तो वहाँ कहीं कहीं जगह में स्टॉप्स हैं। यहाँ हर 1 किलोमीटर में, हर 400-500 मीटर में कुछ ना कुछ बहुत प्यारा दिख जा रहा है। और हम यमुनोत्री भी गए हैं, लेकिन यमुनोत्री से ज़्यादा अच्छा जो ट्रैवल है, मतलब जो यहाँ का लैंडस्केप है, वो यहाँ के मतलब एपिक है, बिल्कुल एपिक। और हमें लग भी नहीं रहा कि हम उत्तराखंड में ही हैं। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, ये देखिए व्यूज़। और अभी सुबह का टाइम है तो रोड खाली है, और बाइक राइड पर भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो यहाँ जो सामने जो पहाड़ है ना, इसको मतलब जो नॉर्मल मसूरी के पहाड़ है ना, वो आप ऐसे देखते हो स्ट्रेट एंगल से, मतलब नेक ऐसे करके। यहाँ के जो पहाड़ हैं आप बिना सर ऐसे किए नहीं देख सकते, मतलब आपको टिल्ट ऊपर करना ही पड़ेगा सर, तब जाके उसका पूरा आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ऊंचा पहाड़ है। आगे बस जा रही है, दूसरी तरफ से भी बस आ रही है। देखो अगर एक बस गई दूसरी बस आई तो वाह। ये देखो जैसे मैं बोल रहा, ये मैंने गर्दन ऊपर करी, अब दिखा होगा आपको पूरा ऊपर पहाड़। तब भी गंगा इतनी बड़ी नदी है, क्योंकि यमुना तब भी एक ज़्यादा इतनी ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ी हुई थी जो बर्फ़ पिघल के नदी में कन्वर्ट होती है। लेकिन यहाँ हर मोड़ पे हमें ऊपर से ग्लेशियर पिघलते हुए दिख रहे हैं, ग्लेशियर कह लीजिए या बर्फ़ कह लीजिए। और वो देखो वहाँ ऊपर फॉग लगा हुआ है पूरा। ये तो वो वाला लग रहा, वो कौन सा है, बाहुबली वाला नहीं था, बाहुबली वाला की पहाड़ के ऊपर पता नहीं क्या ही होगा उधर, जैसे भगवान बैठे उधर ऊपर है ना। तो हम गंगोत्री पहुंच चुके हैं फाइनली, इतने लंबे सफर के बाद। मतलब पहाड़ों का 200-250 किलोमीटर ना बहुत ज्यादा होता है, मैं कैसे बताऊं, आप समझ जाओ। और यहाँ सारी बस और ट्रैवलर खड़े हैं, इसके आगे लोग पैदल जा रहे हैं। यमुनोत्री मंदिर था वो काफी ट्रैक करके बाद था, 5 किलोमीटर ट्रैक करके ऊपर, लेकिन गंगोत्री में यही है पास में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री, ज़्यादा दूर नहीं है, बस यही है पैदल रास्ता। जैसे कि दून राइटर ने मेरे को बताया था कि जो यमुनोत्री है उसमें काफ़ी भयंकर ट्रैक है, फिर गंगोत्री है उसमें बहुत कम है, फिर केदारनाथ में तो एपिक ट्रैक है, और लास्ट में बद्रीनाथ में भी नहीं है ट्रैक ना। तो यही है, ऑल्टरनेट है, एक में ट्रैक है फिर एक में नहीं है, ऑन रोड है। दर्शन कर लिए, बट दर्शन करने में पता क्या हुआ यार, यहाँ पुलिस वाले ना ऐसे आगे फेंक रहे हैं ना, मतलब हमसे दर्शन भी नहीं करने दे रहे। ये चीज़ मेरे दोस्तों के साथ भी हुई, दर्शन सही से करने दे। हाँ मतलब प्रसाद तो चढ़ा दिया मैंने, पर वहाँ जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं प्रसाद, ऐसे बस 10-20 सेकंड में थोड़ा सा प्रसाद डाल रहे हैं और फिर वापस करते हैं, है ना। अब हम गंगा जल भरने जा रहे हैं, साथ में दोस्त लोग कुछ सामग्री ले रहे हैं, फूल ले रहे हैं, गंगा नदी में फैलाएंगे। जैसे यमुनोत्री में हम गए थे तो यमुनोत्री के पीछे ही एक पहाड़ था बर्फ़ वाला, वहाँ से पानी निकलता था, लेकिन यहाँ कम से कम 20 किलोमीटर दूर है वहाँ ग्लेशियर है, वहाँ से आता है ये गंगा का पानी।
तो भर लिया है हमने गंगा जल सबने। अब देखते हैं इसके बाद नाश्ता वास्ता करने निकलते हैं, दर्शन हो गए हैं। अच्छा हुआ हम बहुत जल्दी निकल गए थे मतलब अपने रूम से, और हम पहुंच भी गए, दर्शन भी हो गए। लेकिन अब जो आ रही है भीड़ ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हम 5 बजे उठ गए थे, मतलब मन नहीं हो रहा था उठने का, लेकिन हमने कैसे ना कैसे अपने आप को स्ट्रांग बनाया और उठ गए, और उसका फल अभी मिल रहा है हमें। जब लोग आ रहे हैं तो हम दर्शन करके निकल चुके हैं इधर से, गंगोत्री से। तो इस वीडियो का एक टू बी कंटिन्यूड पार्ट है, जो कि नेक्स्ट वीडियो आएगी इस चैनल पे, उसके बारे में आपको टाइटल में ही पता चलेगा। सो थैंक्स फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय फ्रॉम गंगोत्री।